सो टुडे इज मैच डे, स्पेक्टेटर्स आ चुके हैं। क्या हुआ था, क्या हुआ लावा? किस बात की टेंशन है अमन तुझे? काम वाली बात नहीं। पैसा बहुत ज्यादा है, इसने गाड़ी भी लिया, अभी ये लेके नहीं आती, लेकिन मर्सिडीज ली है। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? अरेली भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ मैच डे एंड दोपहर के 12:30 बजने वाले हैं, 1 बजे का हमारा मैच है। गुड़गांव में पहुंच चुका हूं, अब यहां से सीधा मैच वाली लोकेशन पे जा रहा हूं। अभी इंफॉर्मेशन आई है कि जी बारिश की वजह से जो अभी ऑलरेडी मैच चल रहा है वो रुक गया है, तो मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है क्योंकि जी बड़ी तैयारी करी है एंड बहुत एक्साइटमेंट है, तो बारिश नहीं होनी चाहिए, सारा सिस्टम ही बेकार हो जाएगा। बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, हद ही हो गई यार। मतलब एक हफ्ते से मुझे नींद नहीं आ रही रातों में कि मुझे मैच खेलना है, और ये देखो भगवान क्यों ऐसा करते हो हमारे साथ, क्यों? ऊपर से जी 45 टीमें हैं, हर टीम को 2-2 मैच मिलेंगे लीग मैच खेलने को, और अगर एक टीम 2 मैच जीत भी गई अपने तब भी वो बाहर हो सकती है। क्यों? क्योंकि जी 8 टीमें ऊपर जानी है, नेट रन रेट के हिसाब से देखा जाएगा, और अगर किसी मैच में बारिश हो गई तो नुकसान किसका है जी? हमारा ही नुकसान है, तो फायदा है नहीं अगर तुम्हें खेलने का मौका ही नहीं मिला और तुम ऐसे ही बाहर हो गए। मूड ही खराब हो गया है। स्पेक्टेटर्स आ चुके हैं बट मैच तो कैंसिल हो गया है। अभी हमारा प्रैक्टिस मैच चल रहा है, अभी वहाँ पे जो टीम हारेगी उनके बंदे उठा के ना इधर ले लेंगे कि आओ हमें प्रैक्टिस कराओ। उसको बोल वहाँ से अंगूठा भी दिखाया शॉट मारने के बाद। और फिर से जब निकल के एकदम स्टाइल में गाइस मजा आ रहा है आपको। क्या हुआ था अभी? क्या हुआ था, क्या हुआ लावा? बेचारा अमन अपने चांस की वेट करते हुए। ऐसे मारना चाहिए। वाह भाई वाह, क्या बढ़िया शॉट मारा था यार। ऐसे ही नहीं है यार, इनसे हो ही नहीं रहा है। ये Hey y'all, come look at this. अभी चाहती है कि अमन आउट हो जाए। ये सिलेक्ट हो जाएगा भाई। अमन ने शॉट मारा और वो बॉल ढूंढ रहा है कि कहाँ शॉट मारी है अमन ने, बताओ। ये ऐसी शॉट मारता बॉल ही चली जाती है। सो वॉक ओवर मिल गया था, दूसरी टीम आई नहीं, तो हमने आपस में प्रैक्टिस मैच खेला और तुम्हारा भाई नॉट आउट रहा, 50-60 से ऊपर रन मारे मैंने एंड बाकी टीम दूसरी तरफ से लुढ़क गई, तो हमें और मौका नहीं मिला जी मारने का। सीधी सी बात ये है, अब हमारी जो फ्रेंड्स आई थी मैं उनके पास जा रहा हूँ, वो निकल गई थी, कुछ खाएंगे पियेंगे एंड वापस घर जाएंगे। वेरी गुड। दोस्तों हमारी महिला मित्र / महिला स्पेक्टेटर जो सपोर्टर आज हमारी टीम की, मुझे बहुत ज़्यादा खेद है आपको
हमारा मैच देखने को नहीं मिला एंड आपको बीच में छोड़ के इस मॉल में आना पड़ा. तो उसके लिए अगेन वेरी सॉरी बट वेरी थैंक यू फॉर कमिंग गर्ल्स. ऐसे करो सारे, कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप मेरा. कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो बनियान में मॉल में घूमने का कॉन्फिडेंस, वो भी तीन तीन लड़कियों के साथ. दबाया भी है कुछ, ऐसे खड़े हो गए ग्राउंड पे तो जाने नहीं है, मैं बेसमेंट जाना है. तैयार हो गया ही थी मैं आज के ये बट बहुत अच्छे शॉट्स लिए. गुड थैंक यू. आईफोन 14 प्रो मैक्स. आयो आयो आयो. पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है. इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है. इसने गाड़ी भी लिया, अभी ये लेके नहीं आती, लेकिन मर्सिडीज़ ली है. लंबी ज़्यादा ना तो हमारे ऑफिस में घुस नहीं पाती वो. पर अच्छा भी नहीं लगेगा कि ऑफिस के एमडी से बड़ी गाड़ी में कोई आ रहा है तो निकाल दे कहीं वो गुस्से में आगे. किस बात की टेंशन है अमन तुझे? काम वाली बात. अब खाना कैसे बनाएगा? वही टेंशन है. सो गाइस हम बहुत परेशान हैं. बंदी छोड़ गई है. काम वाली बात. You have called to speak into someone else. आपने जिस व्यक्ति को कुक का फोन कंटीन्यूअसली वेटिंग में आ रहा है और अमन यहाँ परेशान हो रहे हैं. अमन की बहुत बुरी हालत है. इसके आधे पैसे रोक लेता हूँ, आना पड़ेगा. तो इसको शक हो रहा है कि वो गांव जाने के बहाने इसका काट रही है और फिर फोन भी वेटिंग में आ रहा है. अकेला लड़का कितने दिन अंडे बाल बाल के खाएगा? दाल रोटी भी तो चाहिए होती है मुझे. हाँ 10-15 दिन मुझे लग जाएंगे. मतलब उसमें आप पक्का आ जाओगे ना? ठीक है, फिर मैं उसी हिसाब से सेट करूंगा ना किसी को 15 दिन के लिए. मैं आपको बता दूंगी, कॉल कर लूंगी कैसी रहेंगे, मैं बता दूंगी. ठीक है, रीएश्योरेंस ली है कि पक्का वापस आ जाओगे ना मेरे पास. हाँ रात के बज रहे हैं जी 1. मैं आ चुका हूँ दिल्ली से नोएडा क्योंकि मेरा ऑफिस का लैपटॉप यहीं पड़ा था एंड सुबह मुझे ऑफिस निकलना है. छावड़ा जी भी डायरेक्ट नोएडा पहुँच चुके हैं एंड एनी टाइम फिटनेस में आया हूँ अपना कार्ड स्वाइप करने, क्योंकि जी मुझे 20 से 25 इसके जल्दी से कार्ड स्वाइप करने हैं, तभी मैं कहीं भी दिल्ली के या गुड़गांव के ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मैं जिम कर सकता हूँ. दूसरी चीज़ मेरे हैं जी कंधे में दर्द, तो मैं ऑब्वियसली जिम नहीं कर सकता. आपने मेरा फिजियोथेरेपी वाला सेशन तो देख ही लिया. तो दैट वॉज द क्विक अपडेट. और अब क्या अपडेट दें, देखो जी अभी अभी हमने कुल्लड़ कॉफ़ी पी है एंड ये जी चटमोला ले रखी है हमने, अभी खाई नहीं है. ये कोई गेस्ट बैठेगा गाड़ी में तो उसको ऑफ है. सो केयरिंग. लेट्स गो.